150 नहीं आ रही ना। दिस इज़ द न्यू बाइक, लेकिन इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, ये हमें मिली है। ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं करने के लिए, यू जस्ट नीड बेसिक नॉलेज। पैकिंग करने का भी तरीका होता है। अब ये जो बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है। वह एक ट्रिक होता है, जब भी आपने बैग पैक करना हो उसमें ये आपको करना होता है कि मैंने आप लोगों के आसानी के लिए लेआउट किया हुआ है। इसके अंदर मैं अपने सारे क्रीम्स वगैरह और पॉलिश मेकअप वगैरह, ये टेक पाउच है। और इस बैग की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे सेक्शन बने हुए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, जैकेट है ये वाली, बहुत ही मुश्किल से भेजती हूँ मैं। हाँ। लेकिन बस ये है कि यू नो खुदा से इंसान दुआ कर सकता है। अच्छा परफॉर्म कर रही है सो फार, कोई मुझे मसला है सच नहीं हो रहा। सुल्तान की लिफान भी जो ये मोटरसाइकिल है, ये इसका पहला ट्रिप हो रहा है लिफान का, लॉन्ग डिस्टेंस का। गाइस कितना खूबसूरत मूड है, हम लोग तकरीबन 22 मिनट चले हैं। आज का प्लान ये है कि हम लोग जाके अपनी ये बाइक को ट्यून करवाना है, क्योंकि हम लोग जाने लगे हैं कल एक बहुत ही खास जगह फॉर समथिंग प्रीटी स्पेशल। लेट्स पिक अप आवर कैमरास एंड इस बाइक को जरा, काफ़ी गंदी हुई हुई है एज यू कैन सी। और मैं व्लॉग में दिखाना चाह रही थी कि ये एग्जैक्टली exactly क्या है चीज़ है। यार ये सीट का कुशन है, मैंने वरी मोटर स्पोर्ट से लिया था, एज यू कैन सी ये ऐसा दिखता है अब। तो दिस इज़ अ बाइक जो मैं राइड कर रही हूँ टिल चौलिस्तान, सुजुकी GS 150 लेटेस्ट मॉडल्स मैं दूसरी सिटी मोटर चले गई थी, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत देर बाद आ रही हूँ। यूजली यहाँ पर मेरा भाई आता है वर्कशॉप पे, लेकिन आज वो इतना बिजी है। सो बेसिकली जो लोग सवाल करते हैं कि आप कहाँ से बाइक ठीक करवाती हैं, ये सुजुकी का यहाँ पर शोरूम है, एज यू कैन सी सिटी मोटर्स। एंड आई एम गोना मेक यू मीट माय मैकेनिक। अस्सलाम वालेकुम, नाम है क्या हाल है आपका? ये हमारे बहुत पुराने यहाँ मैकेनिक हैं। लोग बहुत सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर में सुजुकी का सही मैकेनिक कौन है, वो ये है। He is the guy who you all have to know, जिनको A to Z पता है यहाँ पर बाइक का सारा काम हम यहाँ से करवाते हैं, क्योंकि जिस मैकेनिक को A to Z पता होता है ना बाइक की स्पेयर पार्ट्स का, हम जिस तरीके से राइडिंग कर रहे हैं ऑफ रोड वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं, उन लोगों को ही पता होता है कि बाइक को सही ट्यून कैसे करवाना है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल दी बाइक्स ओवर हियर। सुजुकी की 125 कहाँ पर है? ये 125 खड़ी हुई है गाइस, दिस इज़ अ न्यू 125। 150 नहीं आ रही ना, नहीं आ रही। अच्छा अभी तक इसका क्या रिस्पांस है मार्केट में, लोग क्या कह रहे हैं, यानी कंपेयर टू CG 125? अच्छा इस फर्क है, आज से पहले इसके जो रिम है ठीक है, टायर में टी प्लस। अच्छा एज यू कैन सी हां, इस पे अलॉय लगे हुए हैं, उसके भी लोग उसमें भी लाते हैं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, और लेकिन ये है कि इसके में जो टॉर्क जो है ना पिस्टन का पिक हाँ। और टॉर्क उसकी 125 की निस्बत इसमें ज़्यादा है। तो बंदे ये नहीं क्या 150 ने क्या कर 150 के साथ हाँ। 150 अपनी जगह पे है यार, ये तो ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, दिस इज सी अपनी जगह पर है। दिस इज द न्यू बाइक, लेकिन इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, ये हमें मिली है, बहुत गंदी हुई है, इसको हम लोग अभी ट्यूनिंग करने लगे हैं। आई डोंट नो ये पेपर क्या है, नो व्हाट दिस पेपर इज अबाउट ऑल द थिंग्स दे गोना डू, इंजन ट्यूनिंग एज यू कैन सी, ऑयल फिल्टर चेंज, ये सारी चीज़ें होंगी। ट्यूनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक हो रही होती हैं जब आप कर रहे हैं? ट्यूनिंग के अंदर सबसे पहले फिल्टर इसका वॉश होता है ठीक है, उसके बाद इसकी केबलें होती हैं, फिर चेन ब्रेकें चेक होती हैं, सारे नट बोल्ट चेक होते हैं, ये सारी एक ट्यूनिंग का एक हिस्सा है। और ऑयल पर डिपेंड करता है कि आपने बाइक कितनी चलाई है, क्योंकि पहले मत में किसी ने 200 चलाई है तो 400 चला के आता है। हाँ, और ये लोग कुछ सवाल करते हैं कि ऑयल कब चेंज करें, कितने किलोमीटर, हर 1000 किलोमीटर बाद? ओके, और अभी आप इस पर क्या कर रहे हैं काम? अभी इसको मैं चेन की एडजस्टमेंट करने लगा। ओके लेट्स गो, थैंक यू। बाइक इज टोटली नेकेड, ओह माय गॉड, मैंने ये सीट ली थी वली मोटर स्पोर्ट्स से। सो बेसिकली इस सीट से इट्स लाइक अ कुशन है, अगर आपने लॉन्ग राइड पे जाना है तो आप इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं, एंड इन्फ्लेट होती है इसके अंदर पूरा एयर, ताकि
यू कैन गेट कॉम्फर्ट राइड. ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जब भी हमने कोई लंबा सफ़र करना होता है हम तब करते हैं ताकि आवर राइड इज़ कम्फर्टेबल. सो एज यू कैन सी तो पूरा एक तरीका यहाँ मैनुअल भी दिया हुआ है. इसके नीचे पहले लैच लगेगा यहाँ पर, उसके ऊपर सीट आएगी एंड देन कवर आएगा. मेरे एक सवाल है जो मुझसे लोग पूछते हैं कि एज ए फीमेल जब आपने बाइक को रिपेयर करना होता है, ट्यून करना होता है एंड यू डू नॉट हैव अ मेल, आपको पर्सन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भाई नहीं है, हेल्प करने के लिए बिजी होते हैं लोग, तो आप कहाँ आ सकते हैं? तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आती हूँ. ये जो अदनान साहब हैं ये 2015 से हमारी बाइक को ठीक कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं, जितने भी हमने टूर्स थे मोटरसाइकिल के. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर ये वाली बाइक भी ट्यून हमारी हो रही है. एक बड़ा सेफ सा एनवायरनमेंट है, कोई मतलब टेंशन वाला सीन नहीं होता, सब सपोर्ट करते हैं. एंड दिस इज़ एक्चुअली दैट टाइप ऑफ पाकिस्तान, द पार्ट ऑफ पाकिस्तान दैट आई वुड लाइक टू शो. एंड इन द फ्यूचर आई डू हैव प्लान्स कि मैं भी कोई वर्कशॉप वगैरह बनाएँ फॉर फीमेल्स टू लर्न फ्रॉम. एज यू कैन सी ओवर हियर थिंग्स लाइक चेंजिंग द ऑयल, जैसे कि यहाँ पर ये ऑयल चेंज हो रहा है. एज यू कैन सी ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं करने के लिए. यू जस्ट नीड बेसिक नॉलेज एंड देन यू आर गुड टू गो. ऑल्सो जब आप राइडिंग कर रहे होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब ऑयल चेंज करना है. बाइक की साउंड सुनकर, इंजन का साउंड फील करके यू शुड नो कि बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो देयर इज़ लाइक एन ए टू जेड गाइड फॉर मोटरसाइकिल मेंटेनेंस जिसकी वीडियो जल्द आएगी यूट्यूब के ऊपर. बट फॉर नाउ वी आर हेयर ट्यूनिंग आर मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर लेग. ओके, तो इस पर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं? लॉन्ग रूट से पहले क्या चेंजेस होती हैं? पहले कुछ भी चेंज नहीं होता, जितनी बाइक आपकी चली हुई है, क्योंकि अभी तो नई बाइक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना. बस हर चीज़ की सेटिंग है, नट बोल्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं. अगर लेकिन अगर टूर करना हो, जैसे लोग खंजरा पास जा रहे होते हैं सरदू, उससे पहले आप इधर आना है अदनान साहब पे कॉल करनी. मेरा रेफरेंस दे जनत इरफान एंड आपने सारी बाइक को ट्यून करवाना है. फिलहाल आई थिंक वी जस्ट चेंज दी ऑयल, ये सीट लगी है गाइस फॉर द लॉन्ग राइड एंड आई थिंक वी आर रेडी. आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी कि ये टायर्स कैसे परफॉर्म करते हैं. उसकी वजह ये है कि आई एम गोइंग टू टेस्ट दीज टायर्स इन द डेजर्ट इन द रैली एंड वी आर रेडी टू गो. ओके, हमका जो बाइक का काम था वो हो गया और अब मैं आ गई हूँ अपने घर. और घर में अभी मैंने पैकिंग करनी है, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पैकिंग करने का भी तरीका होता है. अब ये जो बैग है, ये मैंने बैग लिया था वली मोटर स्पोर्ट्स से, काफ़ी बड़ा बैग है. इसमें तो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि जब हम लोग राइड कर रहे होते हैं हम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा सामान कैरी मत करें. जितना आप कम सामान कैरी करेंगे उतनी आपकी बेहतरी है, उतनी आपकी बाइक लाइट रहेगी, उतना आपको आसानी होगी चीज़ों में एंड ट्रैवलिंग में. तो इसलिए ये हुआ. एक ट्रिक होता है जब भी आपने बैग पैक करना हो, उसमें ये आपको करना होता है कि जो तौलिया होता है ना वो सबसे आखिर में हम रखते हैं. जो भी कोई मोटी चीज़ है, कोई कोट है, शॉल है, तौलिया है, उनको हम सबसे आखिर में यहाँ पर ऐसे लेयर करते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग कपड़ों को रोल कर करके ऐड कर रहे होते हैं. दिस इज़ दी प्रॉपर वे ऑफ पैकिंग जो मैंने बहुत सालों पहले सीखा था, स्पेसिफिकली जब आप बाइक पे पैक कर रहे होते हो लगेज को. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे बैग्स होते हैं उनको मैं कैसे कैरी करती हूँ. आप जैसे ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के आसानी के लिए लेआउट किया हुआ है. ये वाला जो मेरा बैग है ना, ये मेरा स्किन केयर का बैग है. इसके अंदर मैं अपने सारे क्रीम्स वगैरह, पॉलिश, मेकअप वगैरह, पॉलिश, मेकअप, पाउडर, सब कुछ इस दोनों बैग में आता है. ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है. ये एक बहुत अच्छा सा बैग है, ये टेक पाउच है. और इस बैग की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके काफ़ी आपको नज़र आ रहे होंगे सेक्शंस बने हुए. आप अपने केबल्स, चार्जर, यूएसबी, मास्क रखने की भी यहाँ पे एक स्पेशल जगह है. आई एब्सोल्युटली लव दिस. ये टेक पाउच है. और उसके बाद ये एक टैंक बैग है, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, आपको ये कहीं से भी मिल जाएगा. दराज और पीके में भी इससे भी मिल सकता है टैंक बैग. इसके यहाँ पर मैगनेट लगे होते हैं जो उसके ऊपर लग जाते हैं टैंकी के ऊपर बाइक की. ये मेरे नी पैड्स हैं, एज यू कैन सी ये वाले जो मेरे नी पैड्स हैं ये मैं कैरी कर रही हूँ. बहुत ईजी है, मुझे हमेशा से यही वाले पसंद आए हैं. ये आई थिंक मैंने बोरा ऑटो से लिए थे, काफ़ी ख़राब ही हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रैचेज है. वो एक छोटा सा बैग है. ये बैग मैंने इससे लिया था क्योंकि अमूमन तौर पर मैं पर्स वगैरह कैरी नहीं करती हूँ, तो फिर मैं ये कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ये आपकी बेल्ट के साथ लग जाते हैं और ईजी टू कैरी है एनीवेयर. और ये सबसे बड़ा वाला बैग है जिसके अंदर मेरे सारे सामान आ भी गया है, मतलब मैंने पूरा पैक कर लिया ये. और वो मेरी, आपको मैं दिखाती हूँ, जैकेट है ये वाली. और ये जैकेट मुझे गिफ्ट मिली थी तेज़ मोटर स्पोर्ट से. और ये ट्राउज़र्स हैं, इसके
पहले मैं नहीं पैड्स पहनूंगी, उसके ऊपर मैं ट्राउजर्स पहनूंगी। एक छोटी सी पैकिंग टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, इस किस्म का जो छोटे बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर शैम्पू, बॉडी वॉश या कोई ऐसी चीज़ रख लें, जैसे कि ये मैंने बॉडी वॉश इस पर स्टोर किया हुआ है और ये मेरे टैंक बैग के बिल्कुल सामने होगा, अगर वॉश में इस्तेमाल करना हो तो ये एक्सेसिबल होगा। उसके साथ ही मैंने इस किस्म की बोतल खरीदी हुई हैं, छोटी ट्रैवल साइज़ की है, मिनी सोस से आई थिंक मिल जाती हैं ये, और इस पर मैंने लिखा भी हुआ है शैम्पू, ये भी है। और अभी तो मेरे पास पूरा कलेक्शन है बॉटल्स का, अगर आप देख सको ये सारी मैंने इस किस्म की हुई, इसमें भी आप कुछ रख सकते हैं, इसमें भी देखो पुराना कुछ रखा हुआ है। सेकेंडली मैं आपको अपना टैंक बैग अब दिखाती हूँ, क्योंकि टैंक बैग हर किसी का अपना एक पर्सनलाइज टैंक बैग होता है, ज़रूरी नहीं होता कि सेम हो। और मेरा जो टैंक बैग होता है वो ऐसे दिखता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा मेकअप बैग है और ये स्किन केयर बैग है। बेसिकली ये वाले बैग में मेरा सारा मेकअप है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये बस इतना सा मेरा मेकअप है। आप लड़के कहेंगे बहुत ज़्यादा एनी वो, इसके अंदर जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो स्किन केयर की हैं, सारी तकरीबन यू कैन से ट्रैवल साइज आइटम्स हैं। अब ये मैं इसमें यहाँ रख रही हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी, ताकि जब भी मुझे कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो मैं आराम से इन बैग में से निकाल सकती हूँ। और इस किस्म के जो ट्रैवल साइज चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये परफ्यूम है, ये बहुत काम आती हैं जब आप राइड कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने परफ्यूम का ओरिजिनल साइज़ देखें तो वो तो ऐसे होता है और ये बहुत स्पेस लेता है, तो ये हम लोग नहीं कैरी करते। और ये सारी चीज़ें बाइक के ऊपर आएंगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अगर आप लोग गाड़ी से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, उसकी अलग टेक्निक होती है पैकिंग की, और ये टेक्निक अलग होती है, तो ये टेक्निक की भी बात होती है कि आपने ट्रैवल कैसे करना है। सो थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अभी हमने टैंक बैग को दोबारा से मैंने रीपैकिंग की है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ऐसे पैक करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो थिंग्स चेंज। अभी हम लोग ये चेस्ट माउंट्स हैं हमारे, ये बंजी रोप्स हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे ये माउंट हो रहे हैं बॉक्सेस, तो वांस हेल्पिंग मी विद इट। हाउ इज इट गाइस, लुक एट दिस पुशीन साइमन्स कैट है ये। और यहाँ पर भी हम लोगों ने पैंथर टाइज के साथ हमारी कोलैबोरेशन है, उसका एक्सप्लोर पैंथर डिज़ाइन, फिर पॉज लगाए, मैंने सारे डिज़ाइन हम लोगों ने किया था। ये जो चीज़ है ना, ये अब मैं इसके साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने लगी हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या है। 2005 का सिर्फ ये है, सिर्फ ये, सर ये लाइट गाइज, ये लिफान है हमारी बाइक के सुल्तान राइड करने लगे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये बाइक लॉन्ग राइड पर जाने वाली है, क्योंकि हम करतारपुर गए हैं इस पर, लेकिन उससे भी लॉन्ग राइड पर, तो इसका भी हमारा रिव्यू होगा एक। एंड ये मेरी वाली है GS 150 लिफान KTM। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि जनत ये वाली जो बाइक है ये कितने की है, जब मैंने इसे बुक की थी ये 5.25 की थी और अब ये 8 लाख प्लस क्रॉस कर चुकी है बिकॉज ऑफ डॉलर की वजह से। एंड अभी बस मैंने अपनी ऊपर जा ये सामान जो है मैंने अभी पैक करना है इस बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि जो मेरा टैंक बैग है मैं चाहती हूँ बहुत लाइट हो, उतना बल्की ना हो। फाइनली द बॉक्सेस आर माउंटेड और अब हम डाल रहे अपना सामान। अच्छा, जो मेरा सामान है ना वो मैं पहले तो अपना मैं ये मेकअप बैग रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मुझे इसकी इतनी ज़रूरत होगी, बस मैंने एक सुर्खी ये रखी है। और ये जो टैंक बैग है ना, ये वाला, ये बहुत मैं चाहती हूँ लाइट हो, क्योंकि इधर आने वाला है ऐसे, और इसके अंदर जो मेरा सामान है मैं चाह रही हूँ कि लाइट हो, तो मेरा मसला ना करे। और ये वाला बैग भी जो है मेरा स्किन केयर वाला, इसको भी मैं निकाल के इधर रख लूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स सो ईजी गाइज, दिस फिलहाल तो मुझे कोई ऐसा इस बॉक्सेस में लाइक आई फील दे कैन बी बेटर, मतलब हाँ बेहतर हो सकते हैं, इतना भी कोई हाई क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन गुजारे लायक है, मतलब ठीक है, यू नो। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरे टूल बैग है, मतलब टूल बॉक्स है। इसके अंदर मेरे पास ये कुछ बंजी रोप्स हैं, इसको मैं अभी बाहर रखने लगी हूँ, और साथ में ये क्लच केबल लेके जा रही हूँ, क्लच का लीवर लेके जा रही हूँ। ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जस्ट इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो वो है। फिर उसके बाद ये चेन लुब्रिकेंट है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला मैं चेन लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने वाली हूँ फॉर द टोर। ये एक थोड़ा सा ब्रश ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, वी हैव दिस क्लीनिंग ब्रश, देन एट द सेम टाइम ये WD-40
ऑफकोर्स एज अ राइडर आपको पता होगा ये बड़ी काम की चीज़ है, कोई भी मसला हो जाए WD-40 इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। और उसके साथ साथ ये भी हमारे पास एक और बंजी रोप है, ये वाली, इसके ये वाले हुक्स हैं, ये मैं देखने लगी हूँ। एंड एट द सेम टाइम वी हैव दिस, ये टाइज है, आपको नज़र आ रहे होंगे जिप टाइज ब्लैक कलर के, तो इसके साथ ये स्क्रू भी है छोटा सा। तो अब मैं ये पूरा जो बैग है मैंने बनाया है ये, इसके लिए सारा सामान मैं रखने लगी हूँ। एंड मतलब एसेंशियल चीज़ें हैं, यू कैन ऑल्सो कैरी अ स्मॉल पंचर किट, छोटा सा गॉज, डिजिटल मीटर, प्रेशर, टायर प्रेशर के लिए वो भी कैरी आप कर सकते हो, आपके इट्स अबाउट योर प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली मेरा भाई कैरी करने वाला है। अच्छा जी, वो ये चीज़ है, ये है फर्स्ट एड किट। अच्छा, ये फर्स्ट एड किट मैंने ख़रीदी थी आज से कोई 3-4 साल पहले सेगल मोटर्स .pk से ऑनलाइन मिल रही थी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ अगर हम किट को ऐसे खोलें सारा सामान मौजूद होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक सेपरेट सामान ख़रीदना पड़ रहा है किट के लिए। तो मुझे ये किट बहुत इससे पसंद है, तो ये फर्स्ट एड किट भी मैं लेकर जा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल होती है चीज़। ओ माय गॉड, सुल्तान, व्हाट इफ आई नीडेड सुल्तान, तो ओके लिसन लिसन, ओके लिसन, ये इतना बड़ा बैग है, जस्ट पैक इट। अच्छा, बाय द वे गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, आई हैव बीन राइडिंग फॉर द पास्ट 10 सालों, मुझे अपना बैग पैक करना नहीं आता। या क्लियरली क्या हो गया, एवरीथिंग इज सो अनइवन। अनइवन नहीं है, उसको उसको वो करो, मतलब ऐसे से करो, लाइक दैट्स व्हाट मेन आर फॉर। Yeah, women are for making sandwiches in the kitchen. Stan, controversial baatein kar rahe ho. Wow, you are so strong. That's what she said. Can I see? Okay. Can you tie it here? So you don't need bungee cords, basically. मतलब ये bungee cord की ज़रूरत नहीं है। हाँ ना, it looks clean, looks like a neat look. Bungee cords are always last option. You should go for. I'm gonna take this. Come. Take it around here. Put it here. एक और भी होना चाहिए। You see? अभी बस एक लैग रह गए। क्योंकि कोई जगह नहीं है बांधने के लिए एज कम्पेयर टू दिस। डैम, पीपल टॉक अ लॉट। कौन सी जगह खाली है? ये जगह, ये सही पैक नहीं किया हुआ मैंने, मुझे करना चाहिए था। अच्छा, ये सुल्तान का बैग पैक हो गया है। ये एज यू कैन सी कि देखो कितना कम लगेज हम लोग कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही कैरी कर रही हूँ। लुक एट दिस मशीन, सो क्यूट इज़न्ट इट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हमारा बेसिकली प्लान ये है कि हम लोग कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ट्यूनिंग करवा रही थी बाइक की, और आज हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर। आज का हमारा डेस्टिनेशन बहावलपुर है। कोई तकरीबन 7-8 घंटे लग जाएंगे, बीच में हमने थोड़े से काम भी करना है, क्योंकि जो मेरे इस बाइक के साइड लॉक में चाबी फंस गई है तो उसको निकालनी है। बहावलपुर में मैंने ऑयल चेंज करवाना है, क्योंकि जो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो लिकुमोली ऑयल है 10W-40, तो वो मिल नहीं रहा था मुझे। सो ये बाइक तैयार है, मैंने अपने ये जैकेट पहन ली है। ये जैकेट बहुत ही अच्छी जैकेट है गाइस, आई विल डेफिनेटली रिकमेंडेड। तेज़ मोटर स्पोर्ट्स से मैंने मुझे मेरी थी, और ये नी पैड्स अभी मैं पहनने लगी हूँ। लेट्स गो एंड वेयर देम। सारा ये तैयारी में इतना थक गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैं 7-8 घंटे कैसे सफ़र करूँगी। हेल्प मी। वो इसको साफ क्यों नहीं किया, इतना डेंजरस है। हाउ डू यू फील जब हम ऐसे टूर पे जा रहे होते हैं? वेरी एंग्शियस। अच्छा, जो एक सिंगल मदर है आपकी तरह, वो घबराती हैं माएँ बच्चों को भेजने पर? बस बहुत ही मुश्किल से भेजती हूँ मैं। हाँ? लेकिन बस ये है कि यू नो, खुदा से इंसान दुआ कर सकता है, इसलिए कि फिर अल्लाह में वो शुक्र के इंसान ये कह सकता है ना कि माँ की दुआ कबूल होती है, तो फिर इंसान अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा कि आप लोग सेफ रहो।
सैड मोमेंट्स। और ये हमारा हो गया तैयार और माशाल्लाह क्या एंट्री मारी है ब्रो, माशाल्लाह ब्रो। ये देखो मैंने अभी अपने एयरफोन्स निकाले थे, ये देखो This is the best part. Wow, subhanallah, mashallah. Fail ho gaya. Bismillah. Yaar, agar dusri bike hoti na to. Aa, bounce hoga. Aise nahi chalna. Pick your feet. Then you pick your feet up like this, chalna. Nahi, nahi. Stop it. Get some help. Then you can. हाँ ऐसे यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे। आई फॉरगॉट हाउ टू सिट ऑन द बाइक, मैं फेल हो गई। दिस इज ज़ेड डिफरेंट। सुभान अल्लाह, जी सफर है ना हाजा व मकुन अल्लाह रुकी इल्ला इल्ला अल्लाह। मीटिंग करना को फिक्र करना, बस आराम आराम से जाना। अच्छा वो सलाम कर लो मैं। पप्पू बच्चा क्यों से कैमरा सो आई कैन लव माय मॉम प्रॉपर्ली। आप फिक्र क्यों करिए, नहीं कुछ ना फिक्र करो, चलो एक आखिरी दफा प्यार कर लो, आओ बाय। ओके लेट्स गो। ओके तो अभी हम लोग तकरीबन ओकारा से एक घंटा दूर हैं, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं नमाज़ वगैरह के लिए एंड थोड़ा सा पानी पियेंगे। और अगर अब हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो हम लोगों ने डिसाइड किया साहिवाल है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हम टाइम वेस्ट करें, हम चाहते हैं कि हम बहावलपुर जल्दी से पहुँच जाए। और एज यू कैन सी बाइक वही कंडीशन में है, अच्छा परफॉर्म कर रही है सो फार, कोई मुझे मसला है सच नहीं हो रहा। सुल्तान की लिफान भी जो ये मोटरसाइकिल है, ये इसका पहला ट्रिप हो रहा है लिफान का लॉन्ग डिस्टेंस का, वरना अक्सर हम लिफान को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अभी जब ये राइड कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑफ द जर्नी में, मैं सुल्तान से पूछूँ कि उसका क्या राय है, व्हाट इज़ हिज ओपिनियन ऑन दिस लिफान, व्हाट डज ही थिंक अबाउट इट, आई डोंट नो। बट या सो फार द जीएस इज़ परफेक्ट कंडीशन। ओके तो अभी हम लोग आ गए हैं, हम लोग ने 170 किलोमीटर प्लस कर लिए लेस देन 3 आवर्स। यहाँ से खाने वाले तकरीबन एक घंटा दूर है, फिर वहाँ से 2 घंटे और दूर बहावलपुर है, तो इन टोटल हमें 3 आवर्स लगेंगे फ्रॉम हेयर टू बहावलपुर, क्योंकि ये चीज़ें बतनी है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। एंड एज यू कैन सी भी हमने यहाँ पे चाय की ब्रेक ली है, सुल्तान नमाज़ पढ़ने गया हुआ है, आई एम वेटिंग फॉर हिम। और कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, नगेट्स हैं, फ्राइज हैं, चाय है, बहुत ही मज़ेदार चाय लग रही है यार। सीरियसली यू कैन डू अ लॉट एज अ राइडर अगर आपको बस चाय मिल जाए, मतलब चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको बस कंटिन्यू रखती है। एंड वो मुझे ना वहाँ पर अपना मैं बार बार अपने बाइक देख ब्रो, लेट्स गो। हाय थकावट, एक सिप ऑफ चाय इज इनफ टू टेक आउट थकावट, बस थकावट निकल जाएगी मुझे। तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है सुल्तान अनकम्फर्टेबल, बिकॉज उसकी जो बाइक है ना वो थोड़ी छोटी है हैंडल बार के हिसाब से, बट हम लोग काफ़ी स्पीड पर आए हैं, सो इट वॉज़ गुड। अभी मैंने गोप्रो नहीं लगाया था, मैं ना माउंट द गोप्रो ताकि मैं आप लोगों का भी ये गोल्डन आवर की पूरी सीनरी दिखाऊँ कि क्या हो रहा है। सुल्तान से क्या सीन जो बताओ। फाइव आउट ऑफ टेन शेडी रेस्टोरेंट नगेट रेटिंग। अच्छा हाँ दोबारा रीटेक, आओ टेक वन। ओह लुक एट हिम, ही इज सो इंस्पायरिंग। क्या हाल है? ठीक। हाँ आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ पीछे जाओ, इधर आओ, उसको ना देखो, इसको देखो।
लिख दो। पक्की बात है, बताओ क्या स्पेलिंग है मेरे नाम की? Z-E-N-I-T-H कितना खूबसूरत मूड है। हम लोग तकरीबन 22 मिनट्स अवे हैं 14 किलोमीटर्स सिनेमैटिक घर से, और मूड को देखो कितना खूबसूरत मूड हुआ वैसे। क्या बात है, क्या राइड है, मज़ा आ गया। हम लोग सुबह 12 बजे से राइड कर रहे हैं, 8+ आवर्स हो गए हमें राइड करते हुए, क्योंकि हमें दो ब्रेक भी थी। बैटरी डेड हो चुकी है तो बिना कोई पौधा सब किसी भी चीज़ की बना हमें राइड कर रही है, लेकिन ये अभी 20 मिनट है, इन शाला हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ओके, हम लोग तकरीबन बहावलपुर पहुँच चुके हैं। सरतज रिवर है गाइस, चेक इट आउट, कितना खूबसूरत रिवर है। वाओ, वेयर इज अभी हां आ रही है, उसी को फोन कर रहा हूं। हेलो, ओह माय गॉड, नजर नहीं आ रही है गाइस। ये आज का हमारे कुछ दिनों का रूम है ये। वाओ, हु डिजाइंड इट? पिंटरेस्ट। थैंक्स टू पिंटरेस्ट, चेक इट आउट। थैंक्स टू पिंटरेस्ट, थैंक्स टू एग्जीक्यूशन। हां भी ये भी इधर थोड़ा सा लेवल बढ़िया। ये देखो, क्या देखो, ये भी थोड़ा सा ऊपर लगाना है, इसको भी नीचे रखा हुआ, ये इधर आएगा हार्ट पे। ये भी बनवाया पिंटरेस्ट से देख के, एंड द क्यूटेस्ट थिंग इनके साथ क्या है, ये टू लेंथ। आपको ये माहौल अगर मिले तो इट्स वर्थ इट। मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। यार कुछ ऐसा खिलाओगे पता चले कि बहावलपुर में ये मिल रहा है, क्या खिलाओगे जो बहावलपुर में ही मिल रहा है? This is where it all started. This is not this exactly house, लेकिन वो किधर है? नहीं नहीं, घर यही था उस टाइम, अभी ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं था, और जिस जगह तुम खड़े हो इससे नीचे वाला कमरा था। एक्चुअली मैं कहानी बताती हूँ, 2015 में तुमने हमें कहा था तुम आओ, लेकिन तब हम लोग बस से आए थे बहावलपुर फर्स्ट टाइम, फिर आगे मैं इस सरान के पीछे बैठ के गई थी, और सरान ने मुझे सिखाया था कि हाईवे में कैसे बाइक चलाते हैं, और याद है इस से स्टार्ट नहीं हो रही थी मुझसे यार, वो भी क्या दिन थे। मैं बाइक पे, तुम 70 लेके गए थे, तुम 70 लेके गए, आजकल कैफे के लड़के चला रहे हैं वही 70। तो उस टाइम नीचे वाले कमरे में थे, अभी हम वो रेनोवेट भी नहीं हुआ था, और उसकी विंडोज भी नहीं लगी हुई थी, जस्ट पर्दे भी नहीं थे, तो एक साइड से ओपन था, और वहां पे मैंने ये हमारा पहला बाइक एक्सपोजर था, बाइक टू बाइक पूरा प्रॉपर था। वापसी में गया था सैमसंग, उस स्टोर के बाद हम लोगों ने फैसला किया था हम बोरिंग में, हमें याद होगा, इफ यू रिमेंबर, आई शेयर माय प्लान्स विद यू, इफ यू रिमेंबर। प्रोग्राम में नाम भी मिले थे, यस, शैडोज के अंदर, शैडोज के अंदर, ओह माय गॉड, व्हाट दिस वाज, दिस हाउस जहां से शुरुआत हुई थी। उमरा में गया था, देखा ना।